myself, Manish Rawat. I am from Dehradun. I have passed 10th examination from CBC board, have got up 70% marks. And then I passed 12th examination from the same board, have got up 72% marks. Now I am pursuing BTEC Agriculture Engineering from Sri Sri. I have qualified against the examination with my All India rank is 14 and my GATE score is 747. अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करते हैं और इस टाइम पे रिसेंट ईयर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमको कुछ डिफरेंस नजर आता है. लास्ट ईयर सब्जेक्ट क्वेश्चन काफी हमारे पास कम थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस था. लेकिन अगर हम पिछले 2-3 साल की बात करें तो सब्जेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं गेट एग्जामिनेशन. अगर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन के पेपर की बात करें तो हमारा जो मोस्टली क्वेश्चन था वो हमारा फूड और एसडब्ल्यूडी से था. एफएमबी से ज्यादा कुछ नहीं था. लेकिन अगर हम इस पैटर्न की बात करें इस ईयर 2014 में तो एसडब्ल्यू को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई. नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 60 थे. 1-25 हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड देन हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हैं ठीक है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है उसकी तरफ आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा. 1-25 मार्क्स के क्वेश्चन आप पहले कीजिए, उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन में जाइए. इसके लिए आपको टाइम सेट करना पड़ता है कि आप कितने घंटे में कितने क्वेश्चन करते हैं. मैं कहना चाहता हूँ कि 1 से अगर 25 क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं उसके लिए आपको आधा हाफ एन आवर आपके लिए सफिशियंट होगा. उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन में जाइए जो कि हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं. 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलते हैं. सब्जेक्ट क्वेश्चन में आप टाइम मैक्सिमम 10 मिनट्स दीजिए. जिसका आपने ज्यादा प्रिपरेशन की है उसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. इससे ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं. गेट की प्रिपरेशन के लिए आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर लेना चाहिए क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको बेस ज्यादा इन्फॉर्मेशन बेस जो हमारा ये होता है फर्स्ट ईयर में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती गेट से रिलेटेड एग्रीकल्चर में. तो हमारा जो गेट का सिलेबस होता है वो हमारा सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है. इसलिए आपको डेली 5-6 आवर अगर आप देते हैं तो आपके लिए बहुत सही रहेगा. और आप जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है काफी वास्ट है, ये आप हर टॉपिक कवर नहीं कर सकते. इसके लिए आपको कुछ बुक्स रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी और मैं जैसे बुक्स का नाम लेने आता हूँ जैसे फूड के लिए हमारे जीन कॉम्प्लेक्स, एफएमपी के लिए हमारा संजय कुमार और या लिख सकते हैं अभिन गणेशन. और अगर एसडब्ल्यू की मैं बात करता हूँ तो उसके लिए आपको सबसे जो सही बुक मिलेगी वो आर्ट सुरेश, हाइड्रोलॉजी के लिए आपको सुब्रमण्यम और फार्मेकोलॉजी के लिए आपको वंशल. और फूड में मैं कुछ टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ जो कि ये हर साल पूछे जाते हैं जैसे हमारा हीट एक्सचेंजर, ड्राइंग्स, डेरी टैक्स, इनसे जनरली पूछा जाता है. एफएमपी में कुछ टॉपिक हमारे ट्रैक्शन, इंजन वगैरह है और एसडब्ल्यूएल में बर्निंग टेरेसिंग्स, इरिगेशन पोर्शन एंड ड्रेनेज पोर्शन. कुछ आपको पॉइंट जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. जैसे नोट्स बनाइए आप नोट्स में, उसके बाद आप अपना टाइम टेबल सेट कर दीजिए कि आपको इस टाइम टेबल में पढ़ना है. और बेसिकली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिविजन, रिविजन बहुत जरूरी है. और हमारे जो संजय कुमार की बुक है 20 ईयर आप उसको कंटिन्यूसली 2-3 बार लगाइए वो आपके लिए सफिशियंट है. एज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब गेट एग्जाम हम तैयारी कर रहे हैं. हमको मटेरियल नहीं मिल पाता, कोई कंटेंट हमारे पास होता नहीं है. लेकिन आज हम अपना कंटेंट वगैरह हमको इजिली मिल जाता है. आप अगर आपको इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी आपको डाटा या कुछ कंटेंट चाहिए तो आप www.krishigyan.com पे आप सर्च कर सकते हैं. इस साइट में आपको एग्रीकल्चर से टोटली रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी. जैसे मैं कुछ गेट एग्जाम, आईएफएस एग्जाम, जितने भी टोटल एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर के लिए इसमें इस साइट में आपको इजिली अवेलेबल है.